सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, इंडियन एयरफोर्स, रहने वाला मैं बिहार चंपारण जिले से होता हूं। सर, यहां पर किस उद्देश्य से आए हैं आप? मैं जिस उद्देश्य के लिए मैंने वायुसेना को रिजाइन कर आरएसएस ज्वाइन किया, यानी देश सेवा करने के लिए, उस देश सेवा को आरएसएस में 15 साल लाइफ डेडिकेटेड रूप में रहने के बावजूद भी मैं नहीं पा पाया, तो आज मैंने माननीय शरद जी को, जो भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के एकमात्र इस समय के वेल रेड व्यक्ति हैं, एक ऐसे लीडर हैं जिनके साथ देश का भला हो सकता है, ये सोचकर मैंने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन सब को छोड़कर माननीय शरद जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। तो सर, ये आप 15 सालों तक आरएसएस के सेवा में रहे, तो जो आरएसएस हमेशा इस बात को कहती है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, नेशनलिज्म का जो दावा करती है। देखिए, मल्टीनेशनल्स कंपनियां इस देश में आती हैं देश सेवा के नाम पर, वो कहती भी हैं, उनको सरकार के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है कि हम देश की जनता का भला भी करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो विदेशों से आया है इस देश में तो वो अपने फायदे के लिए आया है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नाम बेशक रखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश सेवा, लेकिन वो पढ़ाते क्या है? भारत हिंदू राष्ट्र है। अरे भाई, तो भारत हिंदू राष्ट्र है या भारत कौन सा राष्ट्र, इससे क्या लेना देना? आप भारत की सेवा तो करो, भारत की जनता की गरीबी तो दूर करो, अशिक्षा तो दूर करो, भारत को भारतीय तो बने रहने दो। जिस हिंदू धर्म की पाठ संघ पढ़ाता है, अगर वो हिंदू धर्म इतना श्रेष्ठ होता तो लाखों वर्ष पुराना, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म है, आज तक इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, छुआछूत, अशिक्षा, देश का विश्व का जगत गुरु रहने वाला देश आज इस हालत में क्यों पहुंचा है? इसका मतलब कि आरएसएस का कहना हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र, ये सब बेफिजूल की बातें हैं, भारत को भटकाने वाली, दिशा से भटकाने वाली, भारत से कहीं दूर ले जाने वाली बातें हैं, इसीलिए मैंने आरएसएस को रिजाइन किया है। तो सर, आप मानते हैं कि शरद यादव के नेतृत्व में जो पार्टी बनी है वो पार्टी दलितों को अपना हक दिलाएगी? अरे भाई, दलित इस देश का असली लड़ाका है, असली देशभक्त है, जिसने देश के लिए कुर्बानियां दिया है, उसका हक तो 70 सालों से इस देश के हुक्मरानों ने बकाया रखा है, उसको ब्याज सहित, सम्मान सहित उसको माननीय शरद यादव जी दिलाएंगे, इसी विश्वास के साथ है। मैं दलित नहीं हूं, लेकिन उनका कर्ज हम पर, उस कर्ज को उतारने के लिए मैंने इस मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। तो सर, कहीं ना कहीं आप 15 सालों तक आरएसएस के साथ जुड़े रहे, तो आपने देखा होगा कि ये दलित हितों के बारे में क्या सोचते हैं। अरे, दलित के बारे में क्यों सोचेंगे भाई? मनुस्मृति को भारत में लागू करने वाले लोग, वो दलित तो उनके लिए पैरों की जूती है, पैरों की सेवा, वो तो उसका काम है सेवा करना, कांटे से बचाने के लिए जूती इस्तेमाल करता है, वो काहे के लिए उसके बारे में सोचता? तो 93 साल में आज तक कोई एक भी दलित उनको विद्वान बुद्धिमान नहीं लगा जिसको वो आरएसएस अपना चीफ बनाता। भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिस भारत में पैदा होता है, जिसके बारे में दुनिया भी सलाम करती है, दुनिया 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे मनाती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड नॉलेज डे मनाता है, और भारत का प्रधानमंत्री, भारत का शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहां 14 अप्रैल को कोई सेलिब्रेशन करता है राष्ट्रीय स्तर? मैं पूछना चाहता हूं, अगर उसको देश की चिंता है तो देश के भारत रत्न सपूत की जन्मदिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं मनाता? छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मदिन आरएसएस क्यों नहीं मनाता? भगत सिंह की जयंती क्यों नहीं मनाता? भगत सिंह की शहीदी दिवस क्यों नहीं मनाता? सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त की जन्मदिन और शहीदी दिवस क्यों नहीं मनाता आरएसएस? उसको देश सेवा और देशभक्तों से लेना देना नहीं है, देश सेवा के नाम पर सिर्फ सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसका मंत्र है आरएसएस के पास। सर, तो 2019 में किस रूप में आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक जनता? 2019 की बात तो छोड़ दीजिए, 2 अप्रैल को भारत ने दिखा दिया कि मोदी जी, यू आर नो मोर रिक्वेस्टेड एंड रिक्वायर्ड फॉर दिस नेशन। देश का देशभक्त अब जाग गया है। सुप्रीम कोर्ट के बहाने भारत सरकार इस देश को किस तरह से, इस देश के कमजोर वर्ग के हक को बेदखल कर रही है, इस आम व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया। जब समझिए कि इस देश का दलित वर्ग
भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट की साजिश को समझ रहा है तो इस देश का ओबीसी जो 60% है वो क्या नहीं समझेगा? और जब 60% समझ गया और 12.5% समझ गया तो मुस्लिम समाज तो पहले बैठा पड़ा है। अरे 90% देश का समाज मोदी जी आपसे 100 कोस दूर चला गया, आरएसएस का डेडिकेटेड मिसाइल इंजीनियर जब आपसे दूर चला गया तो आपके पल्ले है क्या? मैं सभी अपने आरएसएस के उन तमाम प्रचारकों से यह आह्वान करता हूं कि अगर तुम देश सेवा के नाम पर वहां गए हो तो 24 घंटे के अंदर में आरएसएस रिजाइन करो, और अगर चॉकलेट टॉफी स्वार्थ पद कुर्सी लालच में गए हो तो नीतीश कुमार भी गए हैं, उनका हर्ष भी क्या होगा, बिहार देखेगा। जयचंद भी गया था, उसने भी देखा, इतिहास बताएगा, और इतिहास से जो सबक नहीं लेते इतिहास उनको सबक सिखला देता है। ये बात मोदी जी को खास करके भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा। आने वाले दिनों में से किस तरह के सबक सिखाने की बात कर रहे हैं आप? मैं भारत के प्रधानमंत्री से सीधे कहना चाहता हूं कि अगर तुम वाकई देश सेवा करना चाहते हो तो पहले तुम घोषणा करो कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं हूं, मैं आरएसएस के एजेंडे पर नहीं चलता हूं, मैं अपने दिल और दिमाग से काम करूंगा, सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और अगर उसने आरएसएस के एजेंडे पर चलने का चाहा तो नरेंद्र मोदी, कोई भी नरेंद्र मोदी हो, भारत उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानेगा, उसको देशभक्ति का दर्जा भारत नहीं देगा, और नहीं देने की शुरुआत 2 अप्रैल ने कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।